छिंदवाड़ा में डैम बनाने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। परासिया विकास खंड के ग्राम पंचायत गाजनडोह में जलाशय योजना के तहत 12 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किसान मुआवजे के साथ भूमि की मांग कर रहे हैं और आदिवासी किसान रोजी रोटी छीनने के डर से इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डैम निर्माण करने की योजना बनाई गई थी। इसी योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले में 7 डैम का निर्माण किया जाना है। कुछ स्थानों में काम तो शुरू हो गया है, पर कुछ स्थानों पर मुआवजा और किसानों की समस्याओं के चलते काम शुरू नहीं हो सका है। ग्राम पंचायत गाजनडोह में जलाशय योजना के तहत 12 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण किया जाना है, जिसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान और जल संसाधन विभाग में विरोधाभास चल रहा है। किसान मुआवजे के साथ भूमि की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत गाजनडोह में रहने वाले आदिवासी किसान रोजी रोटी छीनने के डर से डैम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विधायक, कलेक्टर और जल संसाधन विभाग को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि अगर डैम बना तो हम सब परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि जहाँ जलाशय न बने और जो हमारे झाड़ पेड़ से हमें जो भी आमदनी होती है वो हमारी आमदनी न छीने सरकार, और हमारे बच्चे घर से बेघर ना होए। कितने लोग? 70-80 लोग, 100 लोग के मकान हैं और खेती बाड़ी है, सभी हमारा तो परिवार इसी से चलता है। जलाशय बनने से आपका क्या सर नुकसान? तो सभी कुछ होएगा कि हम घर से बेघर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो जलाशय बनाया जा रहा है, हम सभी आदिवासी उसको विरोध करते हैं। हमारी ज़मीनें छिन जा रही है, हमारे रोजगार के साधन छिन जा रहे हैं, हमारे महुआ तेंदू हर्रा भेड़ा जो भी हमारा जो पूर्वज से चला आ रहा है उनके ऊपर हमारी जीविका निर्भर है। सरकार ये हमारी ज़मीन छीन कर हमारी जीविका के साधन को नष्ट कर रही है, उसके बदले बहुत कम मुआवजा दे रही है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, इसलिए हम इस जलाशय का विरोध करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।